बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं अपने स्टडी का, द चैप्टर इज़ 11th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज़ एन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम नहीं होता, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव्स। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप और हैलोजन्स अटैच्ड टू कार्बन्स। फॉर एग्जांपल मीथेन, उसका फॉर्मूला था CH4। 1H इज रिप्लेस्ड बाय Cl क्लोरीन जो कि हैलोजन है, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, कार्बन और एक हाइड्रोजन निकल के, तो तीन हाइड्रोजन रह जाएंगे और साथ में क्लोरीन रह जाएगा। इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। इफ़ यू कैन सी हेयर, दिस इज प्योर हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम ही नहीं है। एंड दिस CH3Cl हेयर, ये उसका एक डेरिवेटिव है, इसमें क्लोरीन आ गई है। इफ यू सी हेयर, यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पहले शेल में और 4 आखिरी शेल में, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, अभी ऑक्टेट रूल ये था कि लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन को 4 और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसके लिए वो क्या करेगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की अपने उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल के अंदर, उसकी वो शेयरिंग कर देगा। शेयरिंग से क्या होगा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब CH4 की हमने एग्जांपल ली थी, तो CH4 देखते हैं कैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू द डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल तब करेगा ना जब उसकी लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कार्बन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद चाहिए। कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जिनको ग्रीन से शो किया हुआ, वो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जिनको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो किया है, 4 एक कार्बन का एटम 4 एट अ टाइम 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एटम्स टू अचीव स्टेबिलिटी इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो हमने यहाँ ये भी देख लिया कि कैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती है। अब इसकी 3 कंडीशंस जो डेफिनेशन में लिखी थी वो पूरी हो रही हैं। फर्स्ट ये कि हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स यानी वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है। सेकंड ये कि हाइड्रोकार्बन्स का कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ी मिथाइल क्लोराइड की। और फोर्थ इसमें कंडीशन है कि कार्बन उसका असेंशियल एटम होना चाहिए और उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाता हो वो। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज। एंड इसके 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल जहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, और एक आर्टिफिशियल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज का मतलब है कि हम अपनी डेली लाइफ में किन चीज़ों को देखते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेचुरल सोर्सेज 2 हैं जिनमें आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन और फैट्स। कैसे, एग्स, मटन, चिकन, बीफ, ये अंडे, दूध और गोश्त, ये इसमें प्रोटीन होती है। फैट्स किस में होती है, मिल्क के अंदर, बटर के अंदर, चीज़ में। इसमें बात यह है कि प्रोटीन्स, फैट्स,
ये दोनों क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्लांट्स, प्लांट्स को फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है लिविंग प्लांट्स और जो डेड प्लांट्स हैं। लिविंग प्लांट्स से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स। कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हीट, मेज, पोटैटोज, व्हीट, गंदम, मेज होता है, मकई, बार्ले जो को कहते हैं, और प्रोटीन्स पल्सेस यानी दालें एंड बीन्स फलियां। प्रोटीन्स हमें इस पल्स और बीन्स की सूरत में मिलती है। विटामिन्स होते हैं एप्पल से, ऑरेंज से, बनाना से, और ऑयल्स जो हैं वो सोयाबीन ऑयल्स, ये सारे सनफ्लावर ऑयल वो उसके बीजों से सीड से निकलता है ना, तो ऑयल जो होते हैं हमें सीड से मिल जाता है। ऑयल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब सॉरी। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट पे जब पड़े होते हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शन से गुजरते हैं आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इस बात का मतलब ये है कि डेड प्लांट्स जो अपने डेड प्लांट्स होते हैं जब वो अर्थ क्रस्ट पे यानी ज़मीन के ऊपर काफ़ी सालों पे पड़े रहते हैं, एक ख़ास प्रेशर पर, एक ख़ास टेम्परेचर पर और एक ख़ास टाइम के बाद, तो वो किन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में, पेट्रोलियम में और गैस के अंदर। इसका दूसरा सोर्स जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक तो नेचुरल, ये सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल सोर्स भी है। दैट आर्टिफिशियल सोर्स इज़ व्हाट लेबॉरेटरीज में जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं। इस हवाले से एक थ्योरी पेश की जाती थी जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, और उस थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से हमें मिल सकते हैं, उनको हम आर्टिफिशली क्रिएट नहीं कर सकते। बट यू कैन सी हेयर लेफ्ट साइड पर NH4CNO, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, इट्स अमोनियम साइनाइड, इट्स अमोनियम साइनाइड। और उसको उसने सिर्फ क्या किया, सिर्फ उसने उसको हीट किया है। हीट की वजह से क्या है कि उसके एटम्स ने रीअरेंजमेंट की है, एक नया स्ट्रक्चर बना जिसको यूरिया बोला जाता है। सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट के बाद अमोनियम साइनेट को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड दिस थ्योरी वॉज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके मुताबिक के नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम आर्टिफिशली क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अंकल बोलर ने कहा कि नहीं भाई, हम कर सकते हैं, उसने करके दिखाया। और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट फॉर्म्स, एक बहुत ही एक ब्रांच बन गई, इतने वास्ट ये सब्जेक्ट बन गया और इसके और भी यूजेज हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, कमिंग बैक टू आवर टेबल, हमने ये देखा कि डेड प्लांट्स की जब डिके हो जाती है वो काफ़ी साल के बाद उस पर ख़ास टेम्परेचर और ख़ास प्रेशर के बाद, तो वो किन चीज़ों में कन्वर्ट होती है, कोल में, पेट्रोलियम में और गैस में। अब हम इनको, इन तीनों को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। देन व्हाट कोल क्या है, कोल एक ब्लैकिश मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स का, ठीक है। और कोल जिस प्रोसेस से बनता है उसको कहते हैं कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन इज़ व्हाट, कार्बनाइजेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, यानी वुड की कन्वर्जन होती है थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस। और कंडीशंस इसमें क्या है कि एयर की एब्सेंस चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत सारा वक्त चाहिए। बुक में तो 500 मिलियन ईयर्स का टाइम लिखा हुआ है, 500 मिलियन ईयर्स चाहिए। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कोल, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेंट ऑफ कार्बन, कोल हैज़ 4 टाइप्स, यानी कार्बन की कितनी परसेंटेज कोल में है, उस कोल की 4 टाइप्स हैं बेसिकली, और उसको डिवीजन उसको की गई है, उसके अंदर
कार्बन के कंटेंट की बेस पर कितने परसेंट कार्बन उसमें प्रेजेंट है इस बेस पर। हेयर यू कैन सी द टाइप्स ऑफ कोल। नंबर वन इज़ द पीट। पीट 60% कार्बन कंटेंट के साथ, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी कम है तो ये इनफीरियर क्वालिटी का कोल है, यानी कि एक वीक कोल है, और इसको क्लीन में यूज़ करते हैं। क्लीन इज़ वर्ड, क्लीन आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ओवन की तरह ये काम करता है, जैसे चिमनीज़ के अंदर होता है। इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस करना, उसके लिए हीट चाहिए, तो उसके लिए एक चैम्बर तैयार किया जाए जिसके अंदर हमारी डिज़ायर्ड टेम्परेचर की हीट हो। तो उसके अंदर जिस कोल को जलाया जाता है उस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए वो पीट है। सेकेंड इज़ द लिग्नाइट, 70% कार्बन कॉन्टेंट के साथ। 70% कॉन्टेंट है, लेकिन ये एक सॉफ्ट कोल है। इसको हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर स्टेशंस में। थर्मल पावर स्टेशंस आर द स्टेशंस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हीट। हीट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है, इसमें कोल को जलाया जाता है, यानी लिग्नाइट को इसमें जलाया जाता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट, उस चैम्बर के अंदर जहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर से वाटर पाइप्स के थ्रू वाटर को गुजारा जाता है। जब वाटर उस स्पेसिफिक एरिया से गुजरता है जहाँ पर हीट होती है, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, दिस स्टीम विल गो टू द टर्बाइंस विद अ प्रेशर। ये टर्बाइंस पर प्रेशर के साथ फॉल करेगी स्टीम, और उनको टर्बाइंस को क्या करवाएगी, मूव करवाएगी। जब टर्बाइंस मूव करेंगी, टर्बाइंस के मूवमेंट से क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सॉरी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। टर्बाइन की मूवमेंट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, और उसमें जनरेटर्स होते हैं जो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमारे घर तक पहुँच जाती है। तो आप बेसिकली क्या है, लिग्नाइट एक जो कोल है, कोल की फॉर्म लिग्नाइट, इसने एज अ फ्यूल काम किया, और इसको हम पावर स्टेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। बिटमिनस 80%। इट इज़ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल। हाउस होल्ड में कोल कहाँ यूज़ होता है, हाउस होल्ड में जो हम बारबेक्यूज़ बनाते हैं, या घरों में आपने देखा होगा चिमनीज होती हैं, ओपन फायर होते हैं, वहाँ पर उसमें अकेला कोल यूज़ नहीं होता, यानी अकेला ये नहीं होता, साथ में थोड़ी सी वुड भी यूज़ की जाती है ओपन फायर्स के अंदर। एंथ्रासाइट 90% कार्बन कंटेंट है, और इट इज़ सुपीरियर क्वालिटी, सबसे अच्छी फॉर्म के अंदर, और दिस इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ये भी इंडस्ट्रीज में यूज़। हमने ये तो पढ़ लिया कि कोल जो है प्लांट्स की डिके के बाद, प्लांट की बायोकेमिकल प्रोसेस के बाद, यानी कार्बनाइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा कि वुड्स की कन्वर्जन होती है कोल में। लेकिन कोल से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे मिलते हैं, हाउ कोल गिव्स अस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द प्रोसीजर थ्रू विच कोल गिव्स अस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज़ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो उससे हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी दैट वर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अब क्या प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ द हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी आपने एयर की गैर मौजूदगी के अंदर कोल को हीट करना है, तो जो प्रोसेस होगा वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का होगा। इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनती है, दैट इज़ कोल गैस। कोल गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, जैसे हमने एक एग्जांपल पर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेकंड, इसका यूज़ है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर, एटमॉस्फेयर सूटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना। मेटलर्जिकल ये जो प्रोसेसेस होते हैं, सॉरी ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं, ये प्रोसेसेस वो होते हैं जिनमें हम हीट करके मेटल्स को उसके डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, उसकी शेप्स डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, शेप्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी इनर्ट और रिड्यूसिंग एजेंट के एजेंट। इनर्ट मीन्स होता है नॉन रिएक्टिव, यानी मेटल्स की
डिफरेंट फॉर्म्स में उसको चेंज करते हुए क्या होता है कि वहाँ पर और भी बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, दैट बाय प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट एंड मेक अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोई और वहाँ पर रिएक्शन ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए नॉन रिएक्टिव इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इनर्ट नॉन रिएक्टिव इन्वायरमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय कोल गैस। सेकेंड इसकी फॉर्म है, दैट इज़ अमोनियम लिक्वर। अमोनियम लिक्वर इज़ द अमोनियम गैस इन वाटर। ये क्या होती है, जब इसको हम सल्फर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन होगा क्या कि वहाँ पर क्या बनेगा, एक फर्टिलाइज़र बनेगा जिसको हम अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। दैट इज़ यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दैट गिव्स नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। कैसे, अमोनियम सल्फेट के अंदर अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यहाँ से नाइट्रोजन लेंगे प्लांट्स और एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। उस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर अमोनिया जो है वो प्लांट्स लेंगे और उसकी फर्दर जो भी प्रोसेस है उसके अंदर होगा। आवर थर्ड प्रोडक्ट इज कोल टार। कोल टार क्या होता है, ये एक ब्लैक लिक्विड होता है जिसके अंदर जो बेसिकली मिक्सचर होता है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एक टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एक टाइप है, उसकी क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके स्ट्रक्चर की बेस पर ये टाइप बनाई गई है जिसमें बेंजीन का एक कंपाउंड होना ज़रूरी है। बेंजीन इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें बेंजीन की एक रिंग ज़रूर होगी। कोल टार जो है ना, ये एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इससे क्या होता है, हमें पेंट्स, डाइज, वैनिशेस, ये हम फर्नीचर्स के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली डाइज, पेंट्स वगैरह हमारे फर्नीचर के लिए या पेंट्स, ये सब चीज़ें ये हमें कोल टार से मिलता है। और इसके अलावा कोल टार से हमें सिंथेटिक फाइबर मिलता है। एक होता है नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर जो वूल होती है, रुई जिसे बोलते हैं, वो नेचुरल फाइबर है। दिस इज़ द सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियली हम इसको बनाते हैं। नायलॉन फाइबर के बारे में बहुत सुना होगा आपने, जो रस्सियाँ आपने देखी होंगी अक्सर घरों के अंदर होती हैं, वो थोड़ी पतली सी होती हैं रंग बिरंगी, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लाइक प्लास्टिक प्लास्टिक सी फीलिंग आ रही होती है। दैट इज़ बेसिकली नायलॉन फाइबर, अगर आपको आपको याद आ जाए तो। और कोल तार जो है ना, इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोल तार की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होगा कोल तार का, तो उसके बाद जो रेजिड्यू बचेगा बेसिकली वही ये पेंट्स, डाइज वगैरह वही होंगे। फंक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फंक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि कोल तार को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जब हीट करेंगे तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर टूट जाएगा। वो फ्रैक्शंस जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगी जिसकी बेस पर वो बना होगा, अब ये फ्रैक्शन जो एक फ्रैक्शन निकलेगी या उसका एक कंपोनेंट निकलेगा, वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं होगा, वो एक डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा। वो एक कोई मोनोमर नहीं होगा या कोई वो माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल का डिफरेंस, माइक्रो मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लास्ट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ द कोक। और कोक को आयरन एक्सट्रैक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज, रिड्यूसिंग एजेंट इज़ द एजेंट विच रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट। यानी प्रोसीजर के अंदर जिस एटम को, जिस एटम को इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट अपना इलेक्ट्रॉन उस एटम को दे देगा। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है आसान लफ्ज़ों के अंदर। कोक जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है इन आयरन एक्सट्रैक्शन। कोल के बाद जो चीज़ हमने टेबल में पढ़ी,
प्लांट्स, डेड प्लांट से जो हमें चीज़ मिलती है दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम ये एक ग्रीनिश या ब्राउनिश विस्कस लिक्विड है। विस्कस लिक्विड होता है स्टिकी लिक्विड, स्टिकी सा लिक्विड है ये। और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन से बनता है और वाटर से। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो वाटर मिक्स्ड विद सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स दैट फॉर्म्स व्हाट? पेट्रोलियम। एंड द लास्ट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम डेड प्लांट्स इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये लो मास के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। बेसिक हाइड्रोकार्बन लो मोलिकुलर मास, लो मोलिकुलर मास का मतलब है उनके अंदर उनका स्ट्रक्चर इतना हैवी नहीं होगा, उसमें ज़्यादा कार्बन्स नहीं होंगे। जिस तरह इसके अंदर CH4 के अंदर सिर्फ वन कार्बन है और एक कार्बन के साथ एक टाइम में चार हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल। अगर कार्बन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, जैसे जैसे कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी तो उस तरह उसका स्ट्रक्चर हैवी होता जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। नेचुरल गैस ये लो मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन होते हैं। CH4 इज़ मीथेन। मीथेन गैस, इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं। ये सुई गैस के अंदर भी यूज़ होती है, CNG में भी यूज़ होती है नेचुरल गैस। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि नेचुरल जो गैस है, जो प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स से जो हमें गैस मिलती है, जो हमें डेड प्लांट्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो लो मॉलिक्यूलर मास के होते हैं।